दोस्तों, जैसा कि मैं नैनीताल पहुंच चुका हूं और आज नवरात्र का पहला दिन है, तो मैं आप लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं कैनेडी रोड में आ गया हूं और अभी आप देख सकते हैं यहां पे बहुत मुझे अच्छा लग रहा है एकदम। मैं जब भी शहर में एंट्री करता हूं, मैं कभी भी रिक्शा नहीं लेता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ रिक्शा नहीं लेना चाहिए, रिक्शा अगर हाँ मैं थका हुआ होता हूँ तो मैं यूजली रिक्शा ले लेता हूँ, बट और हमेशा की तरह मैं मतलब पैदल पैदल ही वॉक करना प्रिफर करता हूँ, और तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है और फिर तो वॉक भी आती है। और आप ये रोड देख सकते हैं, ये काफ़ी बहुत ही अच्छी सी रोड है और यहाँ पे चलना एकदम बहुत अच्छा सा लगता है। एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे हल्द्वानी में, तो आज काफ़ी मीन्स गर्म था एकदम। सूर्यदेव एकदम आज अपने पूरे तेज में थे वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से मलीताल का, तो आपको मैं दिखाता हूँ। कैनेडी रोड फिनिश हो गया है, अब मैं यहीं से आगे से, वैसे टर्न है आगे से भी, मैं यहीं से चल देता हूँ मॉल रोड को, क्योंकि काफ़ी वाइड स्पेस है और इधर उधर देखना पड़ेगा गाड़ी को। और गाड़ी आ भी रही है पीछे से मेरे, आप देख सकते हैं पीछे से गाड़ी आ रही है। तो अलका तक पहुँच गया हूँ मैं और अदमताल आने वाला है, और ये है जो कैफे द मॉल। तो अभी 9:38 हुआ है और ये देखिए ये ओपन है अभी, तो इट्स वेरी गुड। मे बी यू कैन विजिट हेयर बिकॉज ये थोड़े अर्ली हैं। तो सामने लाइब्रेरी है और आने ही वाला है, और जो जैसे बाजार में है ये खड़ी बाजार, वहाँ की स्पेशलिटी यही है कि वहाँ पे क्या है, वायर्स नहीं है, है ना, और जो कि सारी वायर्स हैं वो अंडरग्राउंड करी गई हैं, तो उसकी स्पेशलिटी यही है। तो मैं चाहता हूँ कि सब जगह ये वायर्स बीन्स अंडरग्राउंड हो जाए। एंड आप ये भी देख सकते हैं, ये बहुत ही मुझे मेरा फेवरेट प्लेस है, मगर मैं आज तक कभी विजिट तो नहीं किया है, मगर आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे इंडियन चाइनीज और इटालियन कॉन्टिनेंट और बहुत सारा यहाँ पे मटेरियल है। मे बी सम ड्रिंक्स भी मिलते हैं, मॉकटेल कॉकटेल्स, और आई एम नॉट श्योर बट यू हैव टू चेक अबाउट द इंफॉर्मेशन। एंड चलिए आगे चलते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, ये दुर्गा लाल सा लाइब्रेरी बोलते हैं इस जगह का नाम, ये देख सकते हैं लाइब्रेरी। और अभी नीचे चलते हैं, मेरी यहाँ यहीं से रास्ता था और मे बी मैं आगे आ गया हूँ। ओ रास्ता तो यहाँ से है, तो ये रहा रास्ता, ये हो गया था मैस। तो ये लाइब्रेरी के बगल में ही ये एक रास्ता अंदर निकलता है, ये रोटरी सेल्फी क्लब है, और ये देख सकते हैं ये जागेश्वर धाम का बनाया गया है आर्ट, और ये काफी सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हैं जो बादल छाए हुए हैं बहुत ही काफी अच्छे लग रहे हैं, और ये कैपिटल सिनेमा हॉल जूमलैंड वाला बिल्डिंग है और ये काफी अच्छा लग रहा है, और बहुत ही कम सैलानी, अभी सुबह ही हुआ है जस्ट, मतलब इजिली मॉर्निंग वॉक से ही अभी लोग घर गए होंगे। तो लेक कितना मतलब काफ़ी खाली खाली सा और मतलब अच्छा लग रहा है, अभी ये देख सकते हैं। और देखिए ये यहाँ पे आप प्यूमा भी आ गया है, आप देख सकते हैं प्यूमा सेम है। चलिए चलते हैं
आगे। इसमें सुबह पहुंच जाएंगे तो सब बंद ही मिलेगा, थोड़ा देर में खुलेगा, इसलिए अभी टाइम है थोड़ा सा। और यहाँ के गार्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे लाइन से, ये देखिए ये गार्ड्स हैं इधर। हर मौसम का अपना अलग ही मज़ा है, और जैसे कि बारिश में भी बहुत मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि बारिश में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या हो जाता है। इसलिए अगर हैवी बारिश हो तो तब अवॉइड करना चाहिए ट्रैवल करना, स्पेशली हाईवेज वगैरह में। और वैसे मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ ये बात, जब बारिश हो रही हो और घनी बारिश हो रही हो तो अवॉइड ही करना चाहिए, और ऐसा ही है फिर। उससे क्या होता है, सेफ्टी हो जाती है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती रस्ते रस्ते में। और अच्छा आराम से मौसम है, ऐसा बादलों भरा मौसम है तो आराम से घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही कुछ प्रॉब्लम, सब स्पेशली आराम से निकल जाता है। और अभी तो यहाँ पे बहुत सुबह ही हुई है, और एकदम सुबह मुझे सब देख के शौक देंगे, चश्मे में लगा के सब बच्चों पूछ रहे हैं भैया आपको होटल चाहिए, भैया आप टूर करेंगे, भैया बाइक ले लो एंड रेंट पे ले लो। चलिए अच्छी बात है, हर किसी को अपना बिजनेस जो कर रहा है उसको प्रमोट करना चाहिए, और अच्छा क्वालिटी वर्क और मतलब ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, तो इसमें कोई पैसा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि वो जो प्रोडक्ट ही सेलिंग उसका क्या क्वालिटी है। तो ये व्यू बहुत ज़बरदस्त है जो मेरे पीछे आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं फोटोज तो लूंगा नहीं अभी, मैं काफ़ी थक गया हूँ। ये ऊपर चाइना पीक है टॉप में, और ये पूरा बादलों से घिरा हुआ है और कोई भी व्यू नहीं है, और जो ऊपर होगा वो तो पूरा खो ही गया होगा बादलों में। देखते हैं टाइम, अभी 9:56 हुआ है, तो मैं पहुंच गया था यहाँ 9:30 के। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही पुरानी चीज़ नैनीताल में जो पहले बहुत पहले से बिकती है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो वो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये लकड़ियों के बने हुए हैं, ये नेवी पाइन वुड का, और ये जो ठीटा कहते हैं हमारे वहाँ पाइन होता है ना, ये जो गोल गोल है ना ये ठीटा होता है, और इसको काफ़ी ये लोग मेहनत करके एकदम पीछे में भी बना भी रहे हैं, तो मैं आपको शायद वहाँ भी ले चलता हूँ अभी। एक सेकंड पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें ये आरी चला रहे हैं अभी हैक्सा, और इस बहुत मेहनत लगता है इसमें, देखिए अड़ा के पूरा काट रहे हैं इसे, और एकदम सुंदर सा तैयार कर देंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। भैया कितना टाइम लगता है इससे तैयार होने में, एक पीस 1 घंटा? ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं और पूरा इसको तराशते हैं, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो अगर आप आए और तो देख सकते हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये मंदिर में जा रहा हूँ मैं सीधा, और यहाँ पे तो ये मैं मंदिर में जा रहा हूँ सीधा, और उस रास्ते पे ये थोड़ा फड़ के आ गया, यहाँ पे शॉप है। चलिए आइए आगे चलते हैं, तो आगे चल के देखेंगे, करेंगे नैना देवी मंदिर में दर्शन, और वहाँ देखेंगे कि कैसा है व्यू। और सुबह सुबह का टाइम है अभी, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रश नहीं नजर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं पूरा एकदम खाली स्पेस है, और एकदम स्पेशियस है, और काफ़ी सही लग रहा है एकदम वॉक करने में। और तो आगे चलेंगे नैना देवी के गेट में, नैना देवी माँ के दर्शन तो मैं वहाँ अलाउड नहीं है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, तो फिर भी मैं मंदिर प्रांगण का और दर्शन कराऊंगा। ये गोल्डन सॉक्स आप देख सकते हैं, अभी से यहाँ भैया तैयारी कर रहे हैं क्योंकि काम करना है, और ये शॉप से गाइड समझा रहे हैं, और देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मलिकताल नैनीताल में गुरुद्वारा, काफी सुंदर है। चलिए आगे चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको, और देख सकते हैं, मांग लो किसी और से मांग लो, काम करो कहीं, हाथ पैर हैं आपके।
आप कोई डिसेबल थोड़ी ना हो, काम कर सकते हो, मांग रहे हो आप फिर भी, कहीं मेहनत करो। तो आप ये देख सकते हैं शॉप्स, और यहाँ पे काफी वैरायटीज में आपको ये यहाँ पे सेल नजर आ रहा है, 100 रुपए दाम, और काफी चीजें हैं आप यहाँ देख सकते हैं। और वैरायटीज ऑफ बैग्स अगर आपको देखनी है आप इस शॉप में आ सकते हैं, यहाँ पे भोटिया मार्केट में स्टार्टिंग में ही है, काफी लगती है शॉप से। तो वैरायटीज ऑफ जैकेट्स आपको इस भोटिया मार्केट की लाइन में मिलेगी, और अगर आप नैनीताल में हो और आपको ठंडा लग रहा हो, जैकेट्स ना हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही वैरायटीज में जैकेट्स और भी बहुत सारे यूजफुल क्लोथ्स आप बाय कर सकते हैं इस मार्केट से। अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है, तो देखिए अभी ये तिब्बत मार्केट तो खुल ही रहा है, तो मैं ही जल्दी आ गया हूँ, बहुत सुबह सुबह आज। यहाँ पे फूड आउटलेट एकदम रेडी हैं, सुबह सुबह ऑर्गेनाइज्ड हैं एकदम अपना सर्विस प्रोवाइड करने को। और इसमें से मेरा चाइना टाउन फेवरेट है, मैं जब भी फैमिली के साथ आता हूँ तो यहाँ चाइना टाउन में विजिट करता हूँ। यहाँ के मोमोज काफ़ी स्पेशल होते हैं, और आप आगे देख सकते हैं आगे की जो शॉप्स हैं वो आपको प्योर वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड कराएंगी। तो चलिए मंदिर चलते हैं। तो आइए मंदिर चलते हैं, और नवरात्र का जैसे कि पहला दिन है, और यहाँ पे यहाँ का समा देखते ही बनता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब काफी श्रद्धालु, और आज एकदम से सुबह सुबह, वैसे रोज ही यहाँ पे आते हैं, और ये आप देख सकते हैं प्रसाद भंडार की दुकान है मामू जी की, और देखिए एकदम ऑर्गेनाइज्ड है और एकदम प्रसाद यहाँ पे बिक रहा है। तो आप यहाँ से मंदिर के समीप ही ये प्रसाद आप खरीद सकते हैं यहाँ से। तो ये नैना देवी का एंट्रेंस गेट है, आइए आपको अंदर ले चलता हूँ। दोस्तों पहुँच गए हैं माँ नैना देवी मंदिर, और आपको अभी हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे। आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए श्रद्धालुगण उमड़ के आए हैं, आज काफी मौसम भी बहुत सुटेबल है, और एकदम बहुत ही अच्छा मौसम है। और ये देख सकते हैं माता जी का मंदिर और माता जी की ध्वजा, तो दर्शन कीजिए आज हनुमान जी के सुबह सुबह। इसी ब्लॉगिंग के माने मेरा भी दर्शन हो गया है, तो ये चलते हैं। तो दोस्तों एंड करते हैं आज का वीडियो, और इसी नैना देवी माँ नैना देवी मंदिर के सुंदर दृश्य के साथ अभी का वीडियो समाप्त करते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में, और मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए।